खनियाधाना के शिक्षा विभाग के विकास की कहानी। शासकीय उत्तरायत प्राथमिक विद्यालय हरिजन मोहल्ला दुर्गापुर के बच्चे पी रहे गड्ढे का गंदा पानी। गंदा पानी पीने से बच्चों में बीमारी फैलने का डर। विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक ने एक बार शिक्षा विभाग पीएचई विभाग को पत्र के माध्यम से कराया है अवगत, पर कोई भी आलाधिकारी सुनने को तैयार नहीं। स्थानीय सरपंच ने भी आलाधिकारियों से की शिकायत, पर नहीं हुई कोई सुनवाई। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा नीति को लेकर लाख अपनी पीठ थपथपाता रहे, पर धरातल पर ये सब खोखले वादे नजर आते हैं। ताजा मामला खनियाधाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि जहां खनियाधाना के अंतर्गत आने वाले शासकीय उत्तरायत प्राथमिक विद्यालय हरिजन मोहल्ला दुर्गापुर का है, जहां शिक्षा के बिगड़े स्तर के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे पिछले 3 सालों से पेयजल की व्यवस्था से परेशान हैं। बच्चे स्कूल में बने एक गड्ढे में भरा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मामले की जानकारी तब लगी जब खनियाधाना जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 18 के जनपद सदस्य गीता करण सिंह ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। जनपद सदस्य ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक पत्र लिखकर जल्द ही स्कूल में पानी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इस मामले में पीएचई विभाग के अधिकारियों को जल्द हैंडपंप लगाने के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक विभाग ने हैंडपंप सही नहीं कराया है। और जब हमारी टीम ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के बीआरसीसी से चाही, तो बीआरसीसी का कहना है कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, मैं तत्काल जाँच करवा लेता हूँ। वहीं पीएचई विभाग को बीआरसीसी ने जिम्मेदारी बताया है, जबकि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक के द्वारा शिक्षा विभाग, पीएचई विभाग एवं अन्य ठेकेदारों को भी पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है, पर यहां पर ना तो कोई आला अधिकारी सुनने को तैयार है और बच्चे विद्यालय में बने गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहां के स्थानीय सरपंच ने भी पत्र के माध्यम से शिवपुरी कलेक्टर को भी अवगत कराया है, पर उस पत्र का अभी तक कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। संवाददाता चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। क्या नाम है आप? गड्ढे का पानी पीते हो यहाँ? क्या समस्या है? पानी की व्यवस्था नहीं है स्कूल में? है ना। क्या व्यवस्था है? बोल लग गया अभी। बोल लग गया? इससे पहले काहे से पानी पीते थे? कुइया का गड्ढे का। अच्छा, तो बेटा गंदा पानी है? गंदा पानी है इसमें गड्ढे का? गंदा पानी पी लेते हो आप? नहीं, वो पहले नहीं था। अच्छा अच्छा। अमित जी, यहाँ पे स्कूल में पानी की व्यवस्था है? थी या बोर हो गया? अभी बोर हो गया। हाँ? अभी कहाँ से पानी पीते थे पहले? कुछ जगह से। कौन सी कुइया में? गड्ढे में से। गड्ढे में से सही था पहले? अच्छा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि विद्यालय में इस तरह का सिस्टम हो, लेकिन अगर इस तरह का सिस्टम अगर पाया जाता है, हम लोग अभी जाँच करवाएंगे। जांच के दौरान अगर वैसे तो हर जगह पे हैंडपम्प की व्यवस्थाएँ हैं और उसके बाद बच्चे भी रखवाए गए हैं, और अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है अगर, तो हम वहाँ पे दूसरे विकल्प के रूप में तत्काल बच्चे की व्यवस्था या पीएचई विभाग से कहकर वहाँ पे हैंडपम्प की व्यवस्था करवा सकते। विद्यालय पर जो आप खड़े हैं, यहाँ पर बच्चे गड्ढे का पानी पीते हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ से पहले तो बोर बंद था इसका, तो बोर को साफ करवा दिया गया। अभी मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया, आवेदन दिया मैंने, फिर मैंने बिरबैया जी को भी बताया, उनसे भी 3-4 बार कह चुका हूँ कि इसकी कोई व्यवस्था करवाओ। या टंकी ये बंद पड़ी है, इसमें ना कोई सामान है, मोटर है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब रखा हो तो मुझे पता नहीं है, आज तुमने बताया कि मेरे पास रखा है क्या? नहीं तो मान लो जो भी है, अब तुम्हारे पास रखो तो ठीक है, उसमें चलो। अगले यहाँ की शिकायत कहाँ कहाँ कर दी? मैंने तो 2 जगह की है। एक फिर मैंने उसको उपकरण को बोला, जनपद सदस्य जो हमारा, तो उसने अपने लेटर पे लिखा है और उसने एक वीडियो भी डाला है। क्या नाम है हमारा साहब? मेरा फूल सिंह, आदिवासी प्राथमिक शिक्षक, हरिजन मोहल्ला दुर्गापुर। ये आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं, ये गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं? क्या है सर के वो पहले जो नल योजना चली ना, तो इसके तहत मोटर तो आई थी मेरे पास, तो बोर खराब था, तो उसके तहत वो ढल नहीं पाई उसमें सर,
तो मैंने कहा कि चलो कुएं में डलवाए देते हैं, तो कुएं थोड़ा लंबा पड़ रहा था, तो जो जिसका कुआ था उनने मैंने कहा कि चलो तुम यहाँ से पाइपलाइन डल जाएगी तो बच्चों को पानी हो जाएगा पर्याप्त। तो उनने क्या कहा कि वो हमारी गारंटी नहीं रहेगी मोटर के लिए, कोई चोरी हो जाए तो फिर मैंने इसलिए बोर क्या था 10 फुट खुला हुआ था, तो 10 फुट में तो मोटर जाती नहीं, तो मैंने मना कर दिया। ये जो बच्चे ये गड्ढे का पानी पी रहे हैं, उसी बात पे आ रहा हूँ सर। फिर क्या हुआ कि मोटर मैंने अपने पास कब्जे में रख ली, क्या जब बोर साफ होगा तो इसके तहत मैं उसको मोटर डलवा दूंगा। फिर इसके बाद पानी की समस्या ये है कि जब जो बोर साफ नहीं हुआ, हैडपम्प चोरी हो गया था कुछ समय पहले, तो मैंने एप्लीकेशन भी दी है मतलब अपने शिक्षा विभाग में, तो मतलब किसी की सुनवाई नहीं हुई। और पानी की क्या है समस्या कि जब गड्ढा जब साफ करवाता हूँ मैं कुछ मजदूरों से, तब मतलब इसका पानी पिलवाता हूँ, कुछ कुछ बच्चे मतलब घर से पानी लाते हैं बाटलों में, तो ऐसी समस्या बनी हुई है बस सर।